वेलकम बैक। अब हमें करना क्या है कि ऐड लिस्टिंग को, अपडेट लिस्टिंग को एंड डिलीट लिस्टिंग को, इन सब का जो लिंक है ये तभी एक्सेस कर सकता है यूज़र जब यूज़र लॉगिन हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र जो है लॉगआउट कर जाता है तो इन सारे लिंक्स को वो एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक मैथड क्रिएट करना है और इन सबको उस मैथड के थ्रू एक्सेस करना है। तो इसके लिए हमें जाना है यूज़र डॉट सर्विस डॉट टी एस में, और यहाँ पे एक मेथड मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है लॉग्ड इन। मैं ये मेथड ऐड कर रहा हूँ और फिर इस मेथड के अंदर में क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है रिटर्न, रिटर्न के बाद लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ये क्या करेगा कि लोकल स्टोर से जो है वो आइटम गेट करेगा, और जो आइटम गेट करना है वो क्या है, टोकन, यानी कि टोकन को हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डबल एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा आपके कीबोर्ड में, जो आपका वन है उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे दो बार तो ये आपको दो बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर जेसन जेसन कह रहा हूँ, अगर टोकन अवेलेबल है लोकल स्टोरेज में तो इसका मतलब है कि ये ट्रू रिटर्न करेगा, और टोकन अगर नहीं होगा अवेलेबल तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें करना क्या है कि इसे सेव करके हमें जाना है कहाँ पर, हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस में, और फिर हमें क्या करना है कि जो हमने यूज़र सर्विस जो है हमारा उसको इंजेक्ट करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर, ताकि जो अभी मेथड हमने क्रिएट किया यानी कि लॉग्ड इन मेथड वो हम एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो सर्विस को हमें इंजेक्ट करना है प्राइवेट यूज़र सर्विस, यूज़र सर्विस इंजेक्ट करने के बाद में आपको इसे इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद में आपको अब क्या करना है कि HTML में जाना है, यानी कि हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में, और उसके बाद जो हमारे लिंक्स हैं उन सब लिंक पे हमें इस मेथड को ऐड कर देना, यानी कि ngif यूज़ करेंगे यहाँ पे, और ngif के अंदर यूज़र सर्विस डॉट, जिससे कि सर्विस हमारा कॉल हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद उसका मेथड यानी कि लॉग्ड इन मेथड। ठीक है, इसके बाद इसको सेव कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिंक जो है अब भी शो हो रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यूज़र जो है वो लॉग इन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि यूज़र को लॉगआउट करना है, तो लॉगआउट करने के लिए मेथड क्रिएट करना है, तो वो भी हम कहाँ क्रिएट करेंगे, यूज़र डॉट सर्विस डॉट टी एस में। ठीक है, यहाँ पे लिखना है यूज़र लॉगआउट, और इस यूज़र लॉगआउट के अंदर में हमें क्या करना है कि जो हमारा जब लॉगआउट मेथड जब कॉल होगा तो लोकल स्टोरेज से जो टोकन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और इसके अंदर पास कर देंगे टोकन यानी कि कीवर्ड। तो इससे क्या करेगा ये कि रिमूव कर देगा, और जैसे ही टोकन रिमूव होगा तो ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा लिस्टिंग कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट लिस्टिंग, बट यहाँ पे राउटर जो है वो अवेलेबल है नहीं, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि प्राइवेट राउटर कॉलन राउटर, ठीक है, और फिर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, आप जाना हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में, और यहाँ पे एक लिंक ऐड कर देता हूँ लॉगआउट के लिए, यानी कि li tag के अंदर a tag के अंदर में स्टाइल में मैं कर्सर पॉइंटर ऐड कर रहा हूँ, ताकि होवर करने पे यहाँ पे यूज़र को पता चले कि ये लिंक है, क्योंकि इसमें कोई राउटर लिंक ऐड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कर्सर पॉइंटर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक के ऊपर में यूज़र सर्विस डॉट लॉगआउट, यानी कि यूज़र सर्विस मेथड कॉल कर रहे हैं, और उसके बाद यूज़र सर्विस के अंदर जो हमने लॉगआउट मेथड डिफाइन किया वो। ठीक है, अब आपको इसको सेव कर देना है। अब जो लॉगिन के बाद यहाँ पे जो सब दिख रहा है, ठीक है, इन सबको ngif के साथ में क्या करना है कि यहाँ पे ऐड कर देना है, मतलब लॉगिन के बाद जिसको दिखाना है और नहीं दिखाना है उन सब में आपको कंडीशन ऐड करना पड़ेगा ngif। ngif के साथ में यूज़र सर्विस डॉट लॉगिन ऐड कर देना है जिसको दिखाना है, ठीक है, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर देना है, इसका मतलब ये हो गया कि नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सब में ऐड करना है लिंक आपको, तो किसी में एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करना, किसी में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं ऐड करना, यानी कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर दिखाना है तो उसमें नहीं ऐड करना, नहीं दिखाना है तो, यानी कि इसका मतलब है कि यूज़र नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से आपको ऐड कर देना एक्सक्लेमेशन मार्क सबसे जिसको नहीं दिखाना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे टोकन अवेलेबल है, ठीक है, और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र जो है वो हमारा लॉगिन है। तो क्या हो रहा है, जितने भी लिंक्स हैं लॉगिन के बाद दिखने चाहिए वो सारे लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो टोकन वो रिमूव हो जा रहा है, यूज़र को यानी कि लॉग आउट कर दे रहा है, और टोकन जो है वो यहाँ पे रिमूव कर दे रहा है, और लिंक्स जितने भी आप देख सकते हैं जो लॉग आउट के बाद दिखने चाहिए वो दिख रहे हैं, लॉगिन के बाद वाले लिंक्स जो है वो हाइड हो गए, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको, ठीक। अब हमें करना क्या है कि सेम इसी तरीके से जैसे हमने इन लिंक्स को हाइड किया, उसी तरीके से हमें जो हमारा लिस्टिंग डिटेल कंपोनेंट पे जो हमारा एडिट और डिलीट का बटन है उनको भी हमें हाइड और शो करना है, ठीक है। तो वो तभी दिखेगा जब यूज़र जो है वो लॉग्ड इन होगा, ठीक है, और अगर लॉग आउट है तो वो नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में प्राइवेट यूज़र सर्विस को इंजेक्ट करना है, प्राइवेट यूज़र सर्विस, ठीक है, और फिर इसको इम्पोर्ट कर लेना है, और इम्पोर्ट करने के बाद लिस्टिंग डिटेल डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जाना है, और फिर यहाँ पे एनजीएफ का यूज़ करके यूज़र सर्विस को कॉल करना है, और फिर यूज़र सर्विस के अंदर जो हमने लॉग इन मैथड कॉल किया था, क्रिएट किया था, यानी कि लॉग इन, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। तो अभी ये दोनों बटन जो है वो हाइड हो गए, क्योंकि यूज़र जो है ऑलरेडी हमने लॉग आउट किया हुआ है, तो इसलिए ये दोनों बटन अब दिखेगा नहीं, जब यूज़र लॉग इन होगा तभी ये बटन दिखेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप यूआरएल पे जाओगे तो ऐड लिस्टिंग का जो लिंक है, लिंक तो हाइड हो गया है, बट अगर यहाँ पे आप लिस्टिंग्स स्लैश ऐड लिस्टिंग टाइप करोगे तो ऐड लिस्टिंग का जो कंपोनेंट है वो अभी भी शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसको भी प्रोटेक्ट करना है, यानी कि यूआरएल के थ्रू भी कोई एक्सेस नहीं कर सकता है इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ऑथ गार्ड क्रिएट करना होगा और उसको राउटर मॉड्यूल के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सीएलआई के अंदर जाना है, और सीएलआई के अंदर यूज़र फोल्डर के अंदर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे गार्ड क्रिएट करना है, यानी कि एनजी स्पेस जी, जी से जनरेट स्पेस जी, दो बार जी लिखा हमने, एक बार एक जी से जनरेट, एक जी से गार्ड, ठीक है, स्पेस ऑथ गार्ड क्रिएट करना है, जो कि गार्ड फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है, तो गार्ड स्लैश ऑथ, ठीक है, उसके बाद एंटर कर देना है। उसके बाद ये ऑप्शन पूछ रहा है आपको यहाँ पे, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि कैन एक्टिवेट पे जब आप स्पेस बार दबाएंगे आप अपने कीबोर्ड का, तो ये यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको फिर एंटर कर देना है, ठीक है, तो कैन एक्टिव पे सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका गार्ड फोल्डर के अंदर में ऑथ गार्ड डॉट टी एस नाम से ये फाइल क्रिएट होगी। अब इस फाइल में जाना है और क्या करना है कि इन सबको डिलीट कर देना है, यानी कि दोबारा से हमें इसको रीराइट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से भी ऐड कर देंगे, इम्पोर्ट से भी इसको हटा देते हैं, और उसके बाद क्या करना है कि तो कंस्ट्रक्टर में हमें इंजेक्ट करना है प्राइवेट यूज़र सर्विस को, हमें इंजेक्ट करना है, उसके लिए प्राइवेट यूज़र सर्विस, और यहाँ पे हम राउट भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें रिडायरेक्ट करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद में कैन एक्टिवेट मेथड का जो टाइप है वो हमें बूलियन डिफाइन कर देना है, और इसके अंदर फिर इफ़ कंडीशन ऐड करेंगे, और इफ़ कंडीशन के अंदर दिस डॉट यूज़र सर्विस एक्सेस करेंगे, और यूज़र सर्विस के अंदर लॉग इन मैथड जो हमने क्रिएट किया था वो, ठीक है, और उसके बाद अगर ये ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू, और अगर फॉल्स होगा तो इल्स के अंदर में हमें क्या करना है कि फॉल्स रिटर्न करेगा, और इसे रिडायरेक्ट कर देना है कि मतलब लॉग इन कंपोनेंट पे। तो इसके लिए दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट यूज़र स्लैश लॉग इन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, और ये आपका गार्ड जो है वो अब आपका क्रिएट हो चुका है। अब आप इस गार्ड को, जिस लिंक को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, उस लिंक उस राउटर में जाना है, यानी कि हमें किसको प्रोटेक्ट करना है, हमें ऐड लिस्टिंग को प्रोटेक्ट करना है। तो ऐड लिस्टिंग कहाँ पे है, लिस्टिंग राउटर डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर है, तो इसमें जाना है आपको, और यहाँ पे ऐड करना है कैन एक्टिवेट, कैन एक्टिवेट के बाद ऑथ गार्ड, और इसको इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है। ऑथ गार्ड यहाँ पे हमने इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। अब जहाँ पर भी ये कैन एक्टिवेट ऑथ गार्ड होगा वो मतलब लिंक तभी एक्टिवेट होगा जो इसका ऑथ गार्ड का जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होगा तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेव करके यूआरएल में चेक कर लेते हैं।
अब अगर आप लिस्टिंग्स स्लैश एड लिस्टिंग टाइप करेंगे तो ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, ये रिटर्न लेके जाएगा आपको लॉगिन पे, ये अपने आप जो है एड सेंड कर देगा, यानी कि रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अब लिंक्स भी हाइड है और आप यूआरएल के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ से भी एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि अब ये सारा का सारा प्रोटेक्ट है। और उसके अलावा ऐड लिस्टिंग जो है वो, और अपडेट लिस्टिंग, डिलीट लिस्टिंग, न्यू लिस्टिंग, ये सब हमने बैकएंड से भी प्रोटेक्ट किया था राउट को। ठीक है, यानी कि टोकन जब जाएगा तभी वो इनेबल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कर लिया, अब ये पूरा का पूरा प्रोटेक्ट हो गया। और ये वीडियो जो है यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, और ये वीडियो के साथ साथ ये पूरी की पूरी सीरीज़ भी ख़त्म होती है। तो अगर आपको सीरीज़ पूरा देखना है तो इसमें के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। इसमें हमने पूरा का पूरा बैकएंड तैयार किया है, बैकएंड एपीआई, जिसके लिए हमने नोड और एक्सप्रेस के साथ में डेटाबेस जो है वो यूज़ किया है, जो कि मोंगो डीबी है हमारा, मोंगो डीबी क्लाउड। ठीक है, उसके लिए हमने एपीआई क्रिएट किया, जिसमें एपीआई में क्रड एपीआई है, यानी कि लिस्टिंग प्रॉपर्टी लिस्टिंग की एपीआई है, जिसे आप न्यू लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसके बाद में उनको डिलीट अपडेट और डिलीट और ऐड करने के लिए आपको टोकन चाहिए, जिसके लिए हमने यूज़र ऑथेंटिकेशन ऐड किया हुआ, जिसके लिए रजिस्टर एपीआई क्रिएट किया है, यूज़र एपीआई क्रिएट किया है। जब यूज़र लॉगिन होता है तो फिर यूज़र जब लॉगिन होता है तो वो फिर टोकन जनरेट करता है, उस टोकन को ये यहाँ पे हम फ्रंट एंड में स्टोर कर रहे हैं, और फिर उस टोकन का यूज़ करके फिर फ्रंट एंड के थ्रू उन सारे डेटा को हम अपडेट या फिर ऐड या फिर डिलीट करना है तो वो उन सब को कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन भी है, क्रड एपीआई भी है, और फिर फ्रंट एंड के लिए हमने एंगुलर यूज़ किया, तो उन सारे एपीआई को हमने फिर एंगुलर में भी यूज़ किया, यानी कि फ्रंट एंड में भी यूज़ किया है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और ये सीरीज़ भी यहाँ पे ख़त्म होता है, और ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी। अगर आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियोज़ को के नीचे कमेंट करके बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो किसी और फ्रंट एंड को हम यूज़ करेंगे, और उसके साथ फिर हम ये सारा जो एपीआई है, इन सारे एपीआई को हम उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उन सारे प्लेलिस्ट में आप जा कर के चेक कर सकते हैं, जितनी भी हमने वीडियो क्रिएट की वो सब लिंक है उसके अंदर। आप एक एक करके जो भी आपको बैकएंड में इंटरेस्टेड हो, बैकएंड भी आप देख सकते हैं, फ्रंट एंड में स्टोर है तो फ्रंट एंड भी आप देख सकते हैं।